ओवैसी ने पद्मावत पर ऐसा क्या कहा है जिससे राजपूतों का खून खौल जाएगा? आखिर ओवैसी ने पद्मावत को लेकर मुस्लिमों से कौन सी अपील की है? देश में जारी फिल्म पद्मावत विवाद में अब हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। पद्मावत विवाद पर ओवैसी की एंट्री ने संजय लीला भंसाली की मुश्किलें बढ़ा दी है। ओवैसी ने पद्मावत का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय से फिल्म को न देखने की अपील की है। ओवैसी ने फिल्म को बकवास करार देते हुए कहा कि अल्लाह ने आप लोगों को यह 2 घंटे की मनहूस फिल्म देखने के लिए नहीं बनाया है। आप लोग इसे देखकर अपना वक्त और पैसा बर्बाद न करें। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के वारंगल शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने पद्मावत फिल्म को मनहूस और गलीज बताया। ओवैसी ने मुसलमानों से, खास तौर पर मुस्लिम युवाओं से कहा कि आप लोग पद्मावत न देखें। ओवैसी ने कहा कि ये फिल्म पूरी तरह से बकवास है। फिल्म को देख अपने पैसे और समय की बर्बादी न करें। अल्लाह ने आप लोगों को अच्छी जिंदगी जीने और जीवन में ऐसे काम करने के लिए बनाया है जिसे सदियों तक याद रखा जाए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बकवास फिल्म के रिव्यू के लिए 12 लोगों का पैनल तक बना दिया था। ओवैसी ने कहा कि पद्मावत की कहानी सन 1540 में कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, जो पूरी तरह से काल्पनिक थी। उसके बाद भी मोदी सरकार इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा रुचि दिखा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर 4 राज्यों में लगे बैन को पूरी तरह से हटा दिया है, यानी अब फिल्म पूरे देश में रिलीज होगी। हालांकि राजपूताना संगठन इस बात से ताल्लुक रखते नजर नहीं आ रहे। उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए जगह जगह विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही फिल्म को रिलीज न होने देने की धमकियां भी दी गई है। राजपूताना संगठनों द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन को राजपूत महिलाओं का सहयोग भी मिल रहा है। राजपूत महिलाओं ने फिल्म पर रोक न लगने की सूरत में सामूहिक जौहर करने की चेतावनी दी है। फिलहाल ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।